दोस्तों नमस्कार, यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्त रह जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा कोरोना के लिए एक आयुर्वेद की दिव्य दवा संसमन बटी के बारे में। सभी ज्वरों की रामबाण दवा संसमनी बटी। दोस्तों, जब से कोरोना का प्रकोप हुआ तब से आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आयुर्वेद की जो कोरोना वायरस के लिए किट तैयार किया है उसमें एक दवा संसमनी बटी भी है। इसी से लगता है कि यह कितनी दिव्य आयुर्वेद की औषधि है। यह हर प्रकार के ज्वर या बुखार को ठीक करने वाली होती है। आज हम इसी बटी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या क्या पड़ता है? घटक द्रव गिलोय घन 200 ग्राम, लोह भस्म 10 ग्राम, अभ्रक भस्म 10 ग्राम और स्वर्ण मासिक भस्म 6 ग्राम। विधि, बनाने की विधि, सभी को मिलाकर दो दो रत्ती या 250 mg की गोली बनाइए। मात्रा, 2 से 4 गोली दिन में 2-3 बार जल या दूध के अनुपान के साथ। उपयोग, दोस्तों यह सभी प्रकार के ज्वर या बुखार की श्रेष्ठ दवाई है। पुराना बुखार में जब रोगी खून की कमी के कारण मरणावस्था में आ जाता है तब इस दवाई का चमत्कारिक लाभ दिखाई देता है। यह डेंगू बुखार में जब प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है उस स्थिति में भी यह दवाई रामबाण का काम करती है। चिकनगुनिया ज्वर में भी इसका विशेष लाभ होता है। इसके सिवाय जीर्ण ज्वर, पुराना बुखार, क्षय, पांडु, खांसी, प्रदर, वीर स्राव, धातु क्षीणता, निर्बलता आदि दोषों को दूर करने शरीर को बल बढ़ाती है। पित्त प्रकृति वाले, नाजुक प्रकृति वाले, गर्भिणी, प्रसूता और बालक के लिए यह बहुत लाभकारी दवाई है। दवाई पूरे शरीर, वात वाहिनियों, मांस, स्यानु ग्रंथियों, नसों और मस्तिष्क को बलवान शक्तिशाली बनाती है। स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, शरीर में स्फूर्ति लाती है और आयुर्वेद के अनुसार धातुओं में ज्वर विस्लीन हो जाने पर मंद मंद ज्वर बुखार बना रहता है। व्याकुलता, अग्निमान, अशक्ति, मूत्र में पीलापन, हाथ पैरों की नसों में खिंचाव होते रहना, नींद न आना, तंद्रा और मस्तिष्क में भारीपन आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। ऐसे कई रोगियों को संसमनी बटी का सेवन कराने से ज्वर दूर होकर शरीर सबल बन जाता है, हष्टपुष्ट बन जाता है तथा मानसिक स्फूर्ति आ जाती है। दोस्तों, लंबे समय तक बुखार रहने पर यकृत या लीवर कमज़ोर हो जाता है, फिर घी तेल का पाचन ठीक नहीं हो पाता। इसलिए घी तेल, मावा, मैदा, मिठाई आदि कब्ज करने वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, इनका परहेज करना चाहिए। गाय का दूध भी 1-2 उफान आया हुआ ही पीना चाहिए, बहुत उबला हुआ दूध नहीं पीना चाहिए। और दोस्तों, गिलोय घन बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गिलोय परिपक्व तथा ताजी लेनी चाहिए और घन तुरंत बनाया हुआ उपयोग में लेना चाहिए। गिलोय जितना ताज़ा पक्का होगा इसकी गिलोय घन बटी संसमन बटी उतनी ही लाभकारी गुणकारी बनेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और लेते रहे आयुर्वेद योग स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।